कहानियां, रोमांच और रहस्य। अलमारी में आईना। एक 12 वर्ष की लड़की अपने मम्मी डैडी के साथ रहती थी। लड़की घर की ऊपर की मंजिल पर अपने कमरे में ही रहती थी। उसके कमरे में एक बहुत पुरानी अलमारी थी। उस अलमारी को खोलते ही सामने की दीवार पर एक बड़ा सा आईना था। वो लड़की घंटों उस अलमारी को खोलकर उस बड़े से आईने में अपने चेहरे और अपने रूप को निहारती रहती थी। कभी कभी तो वो रात के समय भी उस अलमारी को खोलकर अपने प्रतिबिंब को उस आईने में देख लेती थी। एक रात को जब उसने अलमारी को खोलकर उस बड़े से आईने में अपने प्रतिबिंब को देखा तो वह हैरान हो गई, क्योंकि उसकी आंखों की जगह दो काले सुराख दिख रहे थे और उसका चेहरा पूरी तरह सफ़ेद था और मुंह खुला हुआ था। उसने सोचा कि वो शायद उसका भ्रम था या फिर कम प्रकाश के कारण उसका चेहरा अजीब सा दिख रहा था उस अलमारी के आईने में। उसने उसको आंखों का भ्रम मान लिया और बाथरूम में चली गई नहाने के लिए। बाथरूम के अंदर जाते ही उसको कुछ याद आया। उसने जल्दी से बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से अच्छे से लॉक कर लिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर अपने मम्मी डैडी को बुलाने लगी। वो इतनी ज़ोर से चीख रही थी कि उसके मम्मी डैडी के साथ साथ पड़ोस के घर के लोग भी जाग गए थे। उस लड़की को क्या याद आया था? उसको याद आया था कि उसके डैडी ने उसके ही कहने पर उसकी अलमारी में से वो आईना एक दिन पहले ही निकाल कर घर के नीचे के किसी कमरे में लगा दिया था, और अब उसकी अलमारी में कोई आईना था ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।